मम्मा, मेरे सारे दोस्त रक्षाबंधन पे अपने मामा के घर जाते हैं, तो इस बार हम भी चलेंगे। नहीं कुकु, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आपको पता है ना, रक्षाबंधन वाले दिन मुझे काम पर से छुट्टी नहीं मिलती। बुलबुले की माँ भी तो वहीं पर काम करती है जहाँ आप करती हो, फिर उन्हें कैसे छुट्टी मिल जाती है? अपने बेटे की इस बात पर रानो कोई जवाब नहीं दे पाती और चुपचाप काम पर चली जाती है। वो पूरे रास्ते उदास होकर जाती। मेरे कुकू बेटे, अब मैं आपको कैसे बताऊं? आपके मामा हमें जरा भी पसंद नहीं करते, क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ, दूसरों के घरों में काम करती हूँ। ऐसे सोचते हुए रानो काम पर पहुँच जाती है और चुपचाप घर का सारा काम करती है। रानो, आज आप इतनी उदास क्यों हो? सुबह से मुझसे कुछ बात भी नहीं की। अगर कोई परेशानी है तो बताओ। मालकिन, वैसे आपसे कुछ छुपा नहीं है, मेरा बेटा मामा के घर जाने की जिद कर रहा है, लेकिन मेरा भैया रक्षाबंधन पर कभी नहीं बुलाता, तो आप ही बताएं मैं कैसे जाऊं? पता नहीं, एक भैया ऐसा कैसे हो सकता है अपनी गरीब बहन की मदद करने की बजाय जो उससे रिश्ता ही तोड़ ले। खैर छोड़ो। ऐसे रानो काम खत्म कर अपने घर आ जाती है, लेकिन कुकू तो जिद पर अड़ा था। वो अपनी मम्मा के आते ही फिर से सवाल करता है। मम्मा, इस बार हम जरूर मामा जी के जंगल जाएंगे। मैंने नई कैप भी खरीदी है जो मैं पहन कर जाऊंगा। आप चलोगी? कुकू बेटे, लो आप खाना खा लो और मामा के घर जाने की जिद छोड़ दो। मैं कल आपको बाजार लेकर जाऊंगी। आपको जो भी लेना हो वो खरीद लेना। नहीं मम्मा, मैं खाना नहीं खाऊंगा। आप चलोगी? आखिर अपने मामा के घर जाना ही तो चाहता हूँ, इसमें मेरी गलती क्या है? ऐसे कुकू तो पूरी जिद पर अड़ा था। रानो का मन भी बदल जाता है। मैं भाई को राखी बांधने 4-5 सालों से नहीं गई, इस बार चली ही जाती हूँ। क्या पता वो मुझे देखकर खुश हो जाए। ठीक है बेटे, हम कल सुबह जरूर चलेंगे। चलो अब जल्दी से खाना खा लो। कुकू खुशी खुशी खाना खाता है और सो जाता है। सुबह होते ही वो तो तैयार होकर बैठ जाता। कुकू, आप घर पर ही रहना, मैं बाजार से मामा के लिए घेवर और राखी लेकर आती हूँ, कहीं जाना मत। ऐसे रानो चिड़िया भागी भागी अपनी मालकिन के घर जाती है और उससे कुछ रुपए मांगती है। मालकिन जी, आप मुझे 2000 रुपए दे दें। कुकू लगातार जिद कर रहा था। फिर मेरा भी मन कर गया, मैंने अपने भाई को कई सालों से नहीं देखा तो चली ही जाती हूँ। हाँ हाँ रानो, तुमने ये फैसला बहुत अच्छा किया। आखिर रिश्ते पूरी तरह नहीं खत्म किए जाते, आप जरूर जाओ। फिर रानो की मालकिन उसे 2000 रुपए दे देती। वो बाजार से घेवर और राखी खरीदती है। अरे अरे हरियाली, इस बार तो रानो भी राखी बांधने अपने मायके जा रही है, पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। गौरी, इसके भाई ने इसे एक बार भी नहीं बुलाया होगा, जबरदस्ती जा रही होगी। आप देखना, सालों पहले जैसे मुंह लटका कर आई थी, इस बार भी वैसे ही आएगी। इसके भैया भाभी बहुत बुरे हैं, कुछ नहीं देते। रानो उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप अपने घर आ जाती है। चलो कुकू बेटे, आपकी जिद के कारण मैं जा रही हूँ, वरना मुझे काम से छुट्टी कहाँ मिलती है। अब जल्दी चलो। ऐसे दोनों माँ बेटा घर से निकल जाते हैं और कुछ ही घंटों में अपने भाई के जंगल पहुँच जाती है। कुकू देखो, आपके मामा जी ने नया घर बनवा लिया। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, जो वो तरक्की कर रहा है। मामा मामा, दरवाजा खोलो, मैं कुकू हूँ। फिर रानो की भाभी दरवाजा खोलती है तो वो तो रानो को देखकर चौंक जाती है। रानो, तू अचानक यहाँ कैसे? हाँ भाभी, बस अचानक ही आ गई। ये कुकू माना ही नहीं, पूरी जिद पर अड़ा था। मामा को राखी बांधने चलते हैं। रानो की भाभी को उसकी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। रानो, अब अंदर भी चलो, सारी बातें दरवाजे पर ही करोगी क्या? रानो घर के अंदर जाती है तो घर में उसकी भाभी के भाई बहन बैठे थे। दीदी, ये चिड़िया कौन है? छोटी, ये तुम्हारे जीजा की गरीब बहन है, हम इससे अब कोई रिश्ता नहीं रखते। ये फिर भी बिना बुलाए आ गई, बेशरम है ना? रानो को क्या सुनने को मिलेगा, उसे तो पहले से ही पता था, लेकिन कुकू को बहुत बुरा लगता है। वो चुप सा हो गया था। भाभी, भैया कहाँ हैं? मैं उनके लिए घेवर और राखी लाई हूँ, वो कहाँ गए हैं? रानो चिड़िया ऐसे पूछ ही रही थी कि तभी उसका भाई आ जाता है। वो भी रानो को देखकर चौंक जाता है। लो पत्नी जी, मैं पनीर लाया हूँ, आपकी बहन को पनीर के पराठे बहुत पसंद है तो बना
देना। भैया अपना पंख आगे करो, मैं तुम्हें राखी बांधने आई हूँ। कुक्कू बहुत जिद कर रहा था, आखिर तुम्हें कई सालों से नहीं देखा। उसका भाई अपना पंख आगे करता है, उसकी पत्नी तो बहुत गुस्से में थी। कान खोल कर सुन लो रानो, और तुम्हारा बेटा भी, अब तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं और न ही तुम्हारे लिए कुछ है जो मुँह उठाए आ जाती हो। भाभी मुझे कुछ चाहिए भी नहीं, बस भाई से मिलने आई हूँ। ऐसे गुस्से में रानो की भाभी रसोई घर में जाती है और पराठे बनाती है। वो जल्दी जल्दी में गैस बंद करना भूल गई थी। अचानक ही रसोई घर में आग लग जाती है। रानो के भैया भाभी तो रसोई घर में फंस जाते हैं। सीलू भैया जल्दी से दीदी को बचाओ, दीदी जल जाएगी। हाँ छोटी मैं अभी जाता हूँ और दीदी को बचा कर लाता हूँ। ऐसे रानो की भाभी का भाई अपनी बहन को बाहर लाता है। वो हाँफ रहा था, अब मैं रसोई में दोबारा नहीं जाऊँगा, आग बुरी तरह फैली है, जीजू को नहीं बचाया जा सकता। ये बात सुन रानो के तो होश उड़ जाते हैं। वो तुरंत ही आग में कूद जाती है और अपने भाई को बचाकर बाहर लाती है। ऐसा करने में वो पूरी तरह से जल गई थी। ये सब देखकर उसके भाई की नजरें तो झुक जाती हैं। रानो बहन आप आग में क्यों कूदी, तुम्हें कुछ हो जाता तो? भैया अगर ना जाती तो आपको कौन बचाता, आखिर मैं आपको जलते हुए कैसे देख सकती थी। रानो बहन मुझे माफ कर दो, आपने आज दिखा दिया, बहन जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता। मैंने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया, सारे रिश्ते तोड़ लिए, लेकिन आज तुमने अपनी जान की परवाह किए बिना मेरी जान बचाई, मुझे माफ कर दो। भैया मैं आपसे नाराजी कब थी जो माफ करूं। ऐसे दोनों भाई बहन गले लग जाते हैं। वो रानो को हॉस्पिटल ले जाकर उसकी दवा करवाता है और उसे सोने का हार देकर विदा करता है। रानो खुशी खुशी अपने जंगल आती है। वो अपने भाई का प्यार पाकर बहुत खुश थी। वो सबको बताती है कि उसके भाई ने उसे सोने का हार दिया। हरियाली इस बार तो हद ही हो गई, हमें तो बस 1500 रुपए ही मिलते हैं। वो रानो की बच्ची तो सोने का हार लाई है, इसका भाई शायद बहुत अमीर होगा। हाँ गोरी अब आगे से कभी रानो को ताने नहीं मारेंगे, क्योंकि सोने का हार तो दूर, हमें तो सोने की अंगूठी मिलनी ही मुश्किल है। ऐसे रानो चिड़िया का रक्षाबंधन तो खुशी खुशी मन जाता है। तो प्यारे दोस्तों हमें इस कहानी से सीख मिलती है, अपनी बहनों को जीवन में कभी निराश ना करें, क्योंकि एक बहन ही होती है जो आपको माँ जैसा प्यार करती है। आपका धन्यवाद। गर्मियों के बाद बारिश का मौसम शुरू हो गया था, तो सुबह शाम बारिश हो रही थी। कौवे पति पत्नी तो घर में बैठे गरम गरम भुट्टे खा रहे थे। कालू जी ये तो आपने बहुत अच्छा किया जो चील के खेत से भुट्टे चुरा लाए और बारिशों के लिए भोजन जमा किया, वरना हर बार की तरह हमें भूखा मरना पड़ता। मम्मा जिन पक्षियों के पास दाना नहीं होता तो वो कैसे रहेंगे, क्या वो ऐसी बारिश में मर जाते हैं? जग्गू बेटे हमें क्या लेना ऐसे पक्षियों से, चाहे वो मरे या बचे हमारे पास तो ढेर सारा भोजन है। ऐसे कौवों का परिवार बहुत खुश था, वो बारिश का भरपूर मजा लेते हैं। लेकिन छोटी चिड़िया के बच्चे तो भूखे थे। मम्मा कुछ खाने को दो ना, फल ना सही तो दाना ही दो। हाँ मम्मा मैं भी सूखा दाना खा लूँगी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मेरे बच्चों मुझे माफ कर दो, इस बार मैंने बारिशों के लिए दाना नहीं जमा किया। मम्मा आपने दाना क्यों नहीं जमा किया हमें बताएं, ऐसी क्या बात थी? गुड़िया बेटी इस बार जंगल में सूखे का मौसम था, इसलिए बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा ही भोजन मिल पाता। मैंने बहुत मेहनत की लेकिन बारिशों के लिए एक दाना न जोड़ सकी। मम्मा फिर तो बाकी पक्षियों के घर में भी भोजन नहीं होगा। हाँ कुकू बेटे कबूतर मिट्ठू कौवे तोता वो भी हमारी तरह ही परेशान होंगे, क्योंकि वो भी भोजन जमा नहीं कर पाए थे। मेरे बच्चों एक बार बारिश रुक जाए मैं आपके लिए भोजन ले आऊंगी। फिर मम्मा चिड़िया और उसके दोनों बच्चे बारिश रुकने का इंतजार करते हैं, लेकिन बारिश तो नहीं रुकती, रात भी होने वाली थी। हे ऊपर वाले ये बारिश कब रुकेगी, मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे दाना लेने जाना है। गुड़िया बहन वो देखे जग्गू खिड़की पर बैठा गरम गरम भुट्टे खा रहा है। हाँ कुकू भाई इसका मतलब कौवों के पास भोजन है। मम्मा चिड़िया दोनों बच्चों की बातें सुन रही थी। मैं कालू गोरी से एक भुट्टा मांग लाती हूँ, दोनों बच्चों का पेट तो भर जाएगा। फिर रानो चिड़िया बारिश में कौवों के घर जाती है और उनसे भुट्टा मांगती है। गोरी कालू
कृपया मेरे बच्चों के लिए एक भुट्टा दे दे, वो दोनों कल से भूखे हैं। छोटी चिड़िया, मैं तुझे एक भुट्टा दे तो दूंगी, मगर बदले में तू मुझे क्या देगी, क्योंकि मैं अपना भोजन फ्री में नहीं देती। गोरी बहन, अगर मेरे पास कुछ खाने के लिए होता तो मैं आपके पास भोजन मांगने क्यों आती। रानो, मुझे तेरा घोंसला बहुत पसंद है, अगर तुझे एक भुट्टा लेना है तो पहले मुझे अपना फूलों वाला घोंसला देना होगा। ठीक है, मैं दे दूंगी, अब मुझे एक भुट्टा दे दे। नाना चिड़िया, तुम पहले घोंसला लेकर आओ, तब तक मैं भुट्टे को अच्छे से भून लेती हूँ। गोरी की ये बात सुन के रानो चिड़िया भागी भागी घर जाती है और जल्दी से अपना घोंसला ले आती है। गोरी तो लपक कर घोंसले में बैठ जाती। गोरी बहन, अब तो मैं घोंसला ले आई, अब मुझे मकई का भुट्टा दे दे। चिड़िया, भुट्टे तो खत्म हो गए, लेकिन तुम ये भुट्टे के दाने ले जाओ, मैंने बड़ी मुश्किल से बचाए हैं। कोई बात नहीं गोरी बहन, ये दाने खाकर ही मेरे बच्चों का पेट भर जाएगा। ऐसे चिड़िया खुशी खुशी दाने लेकर वहाँ से अपने घर चली जाती है। गोरी जी, अभी तो ढेर सारे भुट्टे पड़े हैं, फिर चिड़िया को दाने क्यों दिए? मैंने उस छोटी चिड़िया को फिर से बुद्धू बना दिया। भुट्टे के दाने बस ऊपर ऊपर हैं, नीचे मैंने कंकड़ रख दिए। तभी कौवों के घर के पास से एक उल्लू चोर गुजरता है। ऐसे मौसम में भोजन ढूंढना बहुत मुश्किल है, इस घर में बहुत सारा मकई का भोजन है, आज रात कौवों के घर से ही चोरी करूँगा। कुक्कू गुड़िया, लो मैं मकई के दाने लाई हूँ, जल्दी से खा लो। दोनों बच्चे जल्दी जल्दी दाने खाने लग जाते हैं। जैसे ही गुड़िया के मुंह में कंकड़ आता है, वो तो चिल्लाते हुए बोलती है, ये क्या मम्मा, इसमें तो पत्थर है, अभी मेरी चोंच टूट जाती। गुड़िया, अपनी कटोरी दिखाओ, कहाँ है पत्थर? फिर मम्मा चिड़िया सारी कटोरी को खाली कर देती है। अरे, इसमें तो पत्थर ही पत्थर है, मैं समझ गई, गोरी ने जानबूझकर मुझे पत्थर दिए, उसने मुझे फिर से बुद्धू बनाया। चिड़िया को तो गोरी की इस हरकत पे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसके बच्चे भूखे सोते हैं। रात भी हो गई थी, हल्की हल्की बूंदे गिर रही थी। कालू गोरी तो गहरी नींद में सो रहे थे। चुपके से चोर उल्लू उनके घर में घुस जाता है और सारे मकई का दाना चुरा कर ले जाता है। रात में रानो की आँख खुलती है। अरे, बारिश तो बंद होगी, मैं अभी दाना ढूंढने चली जाती हूँ, क्या पता सुबह सुबह बारिश होने लगे, यही सही रहेगा। चिड़िया अपने घर से निकली ही थी, तभी उसे कबूतर और मिट्टू तोता भी दिख जाते हैं। कबूतर मिट्टू भैया, क्या आप दोनों भी दाने की खोज को जा रहे हो? हाँ चिड़िया बहन, अब बारिश का क्या भरोसा, कल ना हो या फिर हो, घर में एक दाना तक नहीं, इसलिए अभी जाना बेहतर है। चलो तो हम तीनों मिलकर भोजन ढूंढेंगे, कुछ न कुछ तो मिल ही जाएगा। फिर वो तीनों एक साथ भोजन की तलाश को निकल जाते हैं। वो खूब मेहनत से ढूंढते हैं, मगर उन्हें कुछ नहीं मिलता। सुबह भी होने वाली थी, आसमान में फिर से काले बादल छा गए थे। लगता है बारिश होने वाली है, चलो जल्दी जल्दी घर चलते हैं। लेकिन मिट्टू तोते, बिना भोजन के हम घर कैसे जाएं? चिड़िया बहन, एक बार बारिश शुरू हो गई तो रुकने का नाम नहीं लेगी, हमें अपने जंगल लौटना चाहिए, वरना हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। रानो चिड़िया तो बहुत दुखी थी, वो खाली पंख वापस आ रही थी। तभी चिड़िया की नज़र बांस के जंगल पर जाती है। कबूतर मिट्टू, हमें भोजन मिल गया, चलो मेरे साथ हम बांस के जंगल चलते हैं। फिर चिड़िया तेज उड़ती है और बांसों के झुंड के पास रुक जाती है। कहाँ है भोजन, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ बांस ही बांस है। कबूतर भाई, भूखे मरने से तो अच्छा है हम बांस खाकर अपना पेट भरे। मैं जब छोटी थी तो इन्हीं बारिशों के मौसम में मैं और मेरी माँ बांस खाते थे, इससे कोई हानि नहीं होगी, आप बस कच्चे कच्चे बांस तोड़े। फिर कबूतर मिट्टू भी कुछ बांस तोड़ लेते हैं। बारिश तेज होने लगी थी, तीनों बड़ी मुश्किल से अपने जंगल लौट आते हैं और बांस खाते हैं। जैसे बांस खाने में स्वादिष्ट है, इतने बुरे भी नहीं लग रहे जितना खाने से पहले सोचा था। मम्मा, अगर आप बांस के पकौड़े बना दोगे तो लाजवाब होंगे, मैंने बांस के पकौड़ों के बारे में कई बार सुना है। फिर मम्मा चिड़िया बांस के पकौड़े बनाती है और सबको खिलाती है। कबूतर मिट्टू ढेर सारे पकौड़े अपने घर ले जाते हैं। कालू कालू, जल्दी उठो,
हमारा भोजन चोरी हो गया। मरेंगे, अब हम भूखे मरेंगे, कोई चोर पूरा भोजन ले गया। बारिश भी सुबह से हो रही है। ऐसे कौवे अपने घर में भूखे बैठे रहते हैं, सुबह से शाम हो जाती है। मम्मा पापा अब क्या करें, रात भी होने वाली है, मुझे भूखे पेट नींद नहीं आती। कालू बहुत भूख लगी है, छोटी चिड़िया से कुछ मांग लाओ। आखिर अब तो उसने दाना ढूंढ लिया है, गुड़िया सुबह से कुछ खा रही है। ऐसे गौरी और जब्बू चिड़िया के घर चले जाते हैं, पीछे पीछे कालू भी आ जाता है। चिड़िया बहन प्लीज कुछ खाने को दे दे, कोई चोर हमारा सारा भोजन ले गया। लेकिन गौरी आपने तो कहा था सारा भोजन खत्म हो गया, फिर चोर कहाँ से चुरा ले गया। वो तो मैंने ऐसे ही झूठ बोल दिया था, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। नहीं मम्मा, इन्हें भोजन ना देना, क्या पता ये अब भी झूठ बोल रहे हो सिर्फ हमारा भोजन लेने के लिए। नहीं नहीं गुड़िया बेटी, हम सच बोल रहे हैं, सुबह से भूखे हैं। अगर यकीन ना हो तो हमारे घर जाकर देख लो। तीनों के उदास चेहरे देखकर चिड़िया को उन पर दिया आ जाती है और वो तीनों को बांस के पकौड़े देती है। वो सब तो जल्दी जल्दी अपनी प्लेटें खत्म कर देते हैं और तीनों खुशी खुशी अपने घर लौट जाते हैं। आपका धन्यवाद। कालू कौवा एक सीधा और शांत स्वभाव का पक्षी था, लेकिन उसकी पत्नी गौरी कौवी बहुत चालाक थी। आज मैं सोच रहा हूँ घर पे आराम कर लूँ, मेरे पंख में दर्द है। अच्छा तो फिर ठीक है, मेरे भी पंख में दर्द है, मैं खाना नहीं बनाऊंगी। हर दिन मैं ही तो कमा के लाता हूँ, क्या एक दिन आराम भी नहीं कर सकता। ओह कमा के लाते हो तो मुझ पे कोई एहसान नहीं करते, चुपचाप कुल्हाड़ा उठाओ और काम पे जाओ। बहुत कर ली बहसबाजी। बेचारा कालू कौवा चुपचाप कुल्हाड़ा अपने कंधे पर रखता है और लकड़ी काटने घने जंगल की तरफ चला जाता है। वो रोते हुए सोचता है, ये कैसी पत्नी है मेरी जो मेरा दुख दर्द नहीं समझती। वैसे तो कहते हैं पति पत्नी सुख दुख के साथी बनते हैं, लेकिन मेरी पत्नी तो किसी जन्म की डायन है। ऐसे कालू कौवा लकड़हारा अपना जीवन जी रहा था। एक दिन की बात है, वो सुबह सुबह जल्दी लकड़ी काटने जंगल गया था, तभी उसे छोटे बच्चे के रोने की आवाज आती है। वो एक चिड़िया का बच्चा था। अरे ये बच्चा कितना छोटा है, इस सुनसान जगह पर कौन इसे मरने के लिए छोड़ गया। फिर कालू कौवा उस छोटे बच्चे को अपनी गोद में उठाता है और घर ले आता है। गौरी को तो चिड़िया का बच्चा देखकर बहुत गुस्सा आता है, वो तेज आवाज में पूछती है, ये क्या उठा लाई हो। गौरी ये बच्ची मुझे जंगल में मिली, मैंने आसपास देखा मगर कोई नहीं दिखा। हाँ तो कोई नहीं दिखा तो इसे वहीं छोड़ आते, घर पे लाने की क्या जरूरत थी। गौरी कवि की इस बात पर कालू कौवा भी गुस्सा हो जाता है और तेज आवाज में जवाब देता है, मैं तुम्हारी तरह निर्दयी नहीं हूँ जो इस बच्ची को वहाँ मरने के लिए छोड़ा था, तो क्या अब इसे पूरी जिंदगी अपने घर में रखोगे। मेरी बात ध्यान से सुन लो, जैसे अपने बेटे को खिलाते हैं इसे भी खिलाएंगे, कमा कर मैं लाता हूँ, तुम नहीं जो इतना बोल रही हो। फिर कालू कौवा उस बच्ची को खाना खिलाता है। धीरे धीरे दिन गुजरते गए, अब वो छोटी चिड़िया बड़ी हो गई थी। कालू कौवे ने उसका नाम टूनी रखा था और टूनी चिड़िया को भी कालू कौवे से बहुत लगाव था। पापा मैं आज से आपके साथ काम पर जाऊंगी, प्लीज मुझे मना ना करना। टूनी बेटी मैं जंगल में लकड़ी काटता हूँ, तुम वहाँ क्या करोगी, आराम से घर में रहो। नहीं पापा मैं भी लकड़ी काटूंगी और काम में आपका हाथ बटाऊंगी। जब ये टूनी इतनी कह रही है तो ले जाएं। नहीं मेरे दोनों बच्चे घर में रहेंगे, अभी उनका पिता जिंदा है, अपने जिंदा होते हुए मैं अपने बच्चों से काम नहीं करवाऊंगा। ऐसे बोलकर पापा कालू कौवा काम के लिए घर से निकल जाता है। वो एक बड़े पेड़ को काट रहा था, तभी एक मोटी लकड़ी उसके पंख पे गिर जाती है और कालू का पंख टूट जाता है। उसका साथी कबूतर उसे घर लेकर आता है। लो अब बैठ गए पूरी जिंदगी के लिए घोंसले में, अब बिना हमारा गुजारा कैसे होगा, ऊपर से ये टूनी की बच्ची भी है। कालू कौवा अब चुप था, क्योंकि उसे अच्छे से पता था अब गौरी कौवी उससे जरा भी नहीं डरेगी और ना ही कोई उसकी बात मानेगी। फिर सुबह हो जाती है। गौरी कौवी टूनी चिड़िया को जगाते हुए कहती है, ये कुल्हाड़ा पकड़ और जंगल जा, अब बैठकर गुजारा नहीं होगा। गौरी टूनी बेटी को जंगल अकेले मत भेजो, उसके साथ तुम चली जाओ। आप तो चुप ही रहिएगा और वैसे भी मैं लकड़ी काटने
जाऊंगी तो घर को कौन संभालेगा? तुमसे तो अपना काम भी नहीं होता, घर का क्या करोगे? गौरी माँ, आप पिताजी से ना लड़े, मैं जाया करूंगी। फिर टूनी चिड़िया कुल्हाड़ा लेकर जंगल में लकड़ी काटने चली जाती है। उस दिन के बाद टूनी की जिंदगी तो बदल जाती है, वो शाम होने तक लकड़ी काटती। अब गौरी कवि उससे सुबह शाम खूब काम करवाती, उसे बेवजह मारती और खाने को सबसे कम खाना देती। माँ, एक दाने से क्या होगा, मैं दिन भर काम करती हूँ, कम से कम भर पेट खाना तो दें। जरा सा काम क्या करने लगी, तेरी तो जबान ही निकल आई, अब तो तुझे ये दाना भी नहीं मिलेगा। ऐसे बोलकर गौरी कवि तो टूनी का वो दाना भी छीन लेती है। ये सब देखकर कालू कव्वे को बड़ा दुख होता है, मगर वो लाचार था, कुछ कर भी नहीं पाता। हे ऊपर वाले, मेरी बच्ची को इस डायन के कहर से बचा ले, कुछ ऐसा कर जो टूनी बेटी इस घर से कहीं दूर चली जाए और खुश रहे। इस तरह से अपाहिज कालू तो टूनी के लिए प्रार्थना करता, और ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन टूनी चिड़िया जंगल में बैठी थी, तभी उसे एक छोटी सी बेल दिखाई देती है जिसके पत्ते सूख रहे थे। अरे ये छोटी सी बेल तो बहुत सुंदर है, मगर ये सूख रही है, मैं इसे पानी लगाती हूँ वरना ये मर जाएगी। अब हर दिन टूनी बेल को देखती, उसे पानी लगाती, धीरे धीरे वो बेल बड़ी हो जाती है, उस पे तरबूज लग जाते हैं, और अचानक से वो टूनी चिड़िया से बात करती है। टूनी चिड़िया, आप हर रोज इस जंगल में क्या करती हो, क्या इस दुनिया में आपके माता पिता नहीं हैं? आप सच में बोल सकती हो, और मेरा नाम कैसे पता? टूनी चिड़िया, आप हर दिन तो यहीं बैठती हो, आराम करती हो, मुझे पानी देती हो, तो मैं आपकी बातें सुनती थी। बेल जी, एक हादसे में मेरे पिता के पंख टूट गए, जब से मैं हर रोज लकड़ी काटने आती हूँ और उन्हें बेचकर घर पैसे लेकर जाती हूँ, मेरी माँ बहुत बुरी है, वो मुझसे बहुत काम करवाती है और मारती भी है। टूनी चिड़िया, आज से हम पक्के दोस्त हुए, तुम जब भी किसी मुश्किल समय में हो तो मेरे पास आना, मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। टूनी चिड़िया को भूख लगी थी, वो तो पेट भर मीठे मीठे तरबूज खाती है और शाम होते ही घर लौट जाती है। टूनी, दो दिन बाद तेरी शादी है, मैंने रिश्ता पक्का कर दिया, बस कल लकड़ी काटने चली जाना, मगर परसों मत जाना। गौरी, मुझे तो बताया ही नहीं, तुमने टूनी का रिश्ता कब कर दिया? लड़के पक्षी वालों को टूनी पहले से ही पसंद है, और लड़का पक्षी बहुत अमीर भी है, चुपचाप ये शादी होने दो, ज्यादा ताका झांकी ना करो। गौरी कवि तो इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है, मगर कालू कवे को तो चिंता हो जाती है। बेटे, तुम्हारी बहन का होने वाला पति कैसा दिखता है, तुम तो अपनी माँ के साथ गए होंगे। पापा, टूनी दीदी के पति तो आपने भी देख रखे हैं, वही चिड़ा है जिसे सब बच्चे पागल पागल पुकारते हैं। क्या गौरी ने टूनी बेटी की शादी उस पागल से तय की है? ये नहीं होने दूंगा। ऐसे रात गुजर जाती है, सुबह होते ही कालू कावा गुस्से में पूछता है, गौरी, तुम टूनी बेटी की शादी उस गट्टू पागल से कैसे कर सकती हो? मैं कर सकती हूँ, क्योंकि उसके माता पिता पूरे 1,00,000 रुपए दे रहे हैं मुझे। ये अन्याय है, मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। आने दो बारात को, मैं भी देखता हूँ ये शादी कैसे होगी। अच्छा, ऐसी बात है, तो दोनों बाप बेटी अभी के अभी निकल जाओ इस घर से। नहीं माँ, आप अपाहिज पापा को घर से ना निकाले, मैं करूंगी ये शादी, आप जैसे बोलोगी मैं वैसे ही करूंगी। नहीं टूनी बेटी, आप चले यहाँ से, और वैसे भी मेरा अब यहाँ दम घुटता है। फिर टूनी चिड़िया कालू कवे का घोंसला अपने सर पर रखती है और घर से निकल जाती है। हाँ जाओ जाओ, जब दोनों बाप बेटी शाम को लौट कर आओगे तब अकल ठिकाने लगेगी, अपाहिज लोगों का गुजारा घर में ही होता है। गौरी कवि ऐसे खुश हो रही थी, टूनी कालू को लेकर उसी बेल के पास जाती है और कालू कवे को जादुई बेल की पूरी कहानी बताती है। फिर जादुई बेल एक तरबूज को विशाल रूप देती है और सुंदर सा घर बनाती है। लो चिड़िया दोस्त, बन गया आपका तरबूज का घर, अब तुम दोनों यहाँ आराम से रह सकते हो। फिर टूनी चिड़िया कालू कव्वे के साथ खुशी खुशी तरबूज के घर में रहने लगती है। इधर गौरी कवि तो भूख से मर रही थी। उस कालू के बाद वो टूनी तो कमा लेती थी, शादी के चक्कर में वो भी चली गई। अब हम माँ बेटों का क्या होगा, एक काम करती हूँ, दोनों मनहूसों को ढूंढ कर लाती हूँ। गौरी कवि पूरे जंगल में ढूंढती है और तरबूज के बड़े घर के पास पहुँच जाती है और झूठ मूठ का नाटक करती है। मुझे माफ कर दे और घर चले, तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लगता, पूरा घर अकेला है। नहीं टूनी दोस्त, अब आप कहीं ना जाएं, मैं कपटी पक्षियों के मन की बात जान सकती हूँ, ये
सिर्फ तुम्हें काम करने के लिए लेने आई है। हाँ बेटी टूनी, ये हमेशा से ही लालची और कामचोर है। नहीं माँ, अब मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, मैं पापा के साथ यहीं पर रहूंगी। ऐसे वो दोनों गोरी को वहाँ से भगा देते हैं। प्लीज प्यारे दोस्तों, हमारी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।